हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये थालपोस बनाना बताऊंगी। ये देखिए, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, बनाने में बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन जाता है। आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इस तरह से एक मैं लूप बना लूँगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं 1 2 3 4 5, ये मेरा 5 चेन बन गया। अब मैं इसमें फर्स्ट चेन में इस तरह से डाल के और सिंगल क्रोशिया से इस तरह से मैं इसको लूप बना दूंगी। अब देखिए इस तरह से धागा को खींच के मैं यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से मैं पफ बना दूंगी। अब यहाँ पे मैं 1 2 2 चेन बनाऊंगी, फिर मैं इसी तरह से देखिए 1 2 3 4 चार धागा लिया और इस तरह से सिक्योर करके और यहाँ पे 1 2 2 चेन बना के फिर मैं इसमें पफ बनाऊंगी। इसी तरह से मैं इसमें देखिए ये देखिए 1 2 2 पफ बन गया। इसी तरह से मैं इसमें 6 पफ बनाऊंगी। मैं बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 6 पफ तैयार कर लिया है। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 पफ तैयार कर लिया है। यहाँ पे मैंने 2 चेन बना लिया है। अब देखिए इसमें डाल के मैं इसको स्लिप स्टिच से जोड़ के एक चेन लेके धागा को कट कर दूँगी। धागा को फ्रेंड्स इस बीच, ये जो चेन है इस बीच में मैं डाल के और देखिए इस तरह से मैंने धागा खींच लिया। अब यहाँ पे मैं 1 2 3 4 चार धागा लिया, 2 चेन 1 2 2 चेन और फिर देखिए यहाँ पे इस चेन स्पेस में मैंने एक पफ बनाया है। फिर इसी सेम चेन स्पेस में मैं एक और पफ बनाऊंगी। देखिए 1 2 3 4 4 हो गया। फिर इसको मैं इस तरह से निकाल के सिक्योर कर दूंगी और 1 2 2 चेन। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने इस एक चेन में मैंने 2 पफ बना लिया, फिर इसमें भी मैं 2 पफ बनाऊंगी और इसी तरह से इस राउंड में मेरे पास 12 पफ हो जाएंगे। 2 3 4 1 2 2 चेन लिया, फिर इसमें मैं 1 2 3 4 चार धागा लिया और फिर यहाँ पे 2 चेन लेके इसी तरह से मैं देखिए यहाँ पे 2 पफ मैंने बनाए, फिर यहाँ पे बनाए, इसी तरह से मैं इस पूरे सर्कल में 6 चेन है यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 6 चेन में मैं 12 पफ बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बनके कंप्लीट हो गया है। अब देखिए अब जो ये चेन है इसमें मैं फिर ये थ्रेड लगाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊंगी। देखिए 1 2 3 3 चेन बना के और इसमें मैं 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर सेकंड चेन में मैं 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी इसमें। देखिए ये 3 चेन का 1 डबल क्रोशिया और यहाँ पे 1 2 3 डबल क्रोशिया, तो मेरे पास टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गया। और फिर सेकंड में भी मैं इसी तरह से देखिए 1 1 हो गया है, 2 3 4 देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा 4 डबल क्रोशिया हो गया। इसी तरह से हर चेन में मैं
चार चार डबल क्रोशिया बना के इस रो को कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये रो मेरा बन के कम्प्लीट हो गया है। यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। अब यहाँ पे मैं एक दो तीन तीन चेन बनाऊँगी और सेम स्पेस पे मैं यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाऊँगी। इसके बाद सेकंड चेन में मैं एक डबल क्रोशिया, इसी तरह से तीन चेन में मैं एक एक डबल क्रोशिया बनाऊँगी, दो तीन। इस तीनों चेन में मैंने एक एक डबल क्रोशिया बनाया। अब फिर जो यहाँ पे चेन है इसमें मैं दो डबल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए, एक दो, फिर एक इस तीन चेन में मैं एक एक डबल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए, एक दो दो तीन, तीन चेन में एक एक डबल क्रोशिया और चौथे में मैं दो डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए, एक और ये दो। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से इस रो को मैं बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये रो मेरा बन के कंप्लीट हो गया है। अब मैं देखिए यहाँ पे एक दो तीन तीन चेन बनाऊंगी और यहाँ पे देखिए एक दो दो चेन स्किप करके तीसरे चेन में मैं तरह जोड़ दूंगी। फिर यहाँ पे मैं एक दो तीन तीन चेन बनाऊंगी और यहाँ पे एक दो चेन स्किप करके तीसरे चेन में मैं इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ दूंगी। फिर यहाँ पे मैं एक दो तीन तीन चेन बना के और देखिए एक दो चेन स्किप करके तीसरे चेन में इस तरह से जोड़ दूंगी। इस तरह से मैं इस रो को बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये रो मैंने, ये देखिए चेन बना के मैंने कंप्लीट कर लिया है। इस रो को स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। अब देखिए, अब जो ये चेन मैंने बनाया है इसमें देखिए इस सब में मैं देखिए पहले तो एक दो तीन तीन चेन बनाऊंगी और तीन डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए, एक दो तीन, तीन हो गया और ये एक चेन चार हो गया। देखिए मेरे पास एक दो तीन चार, चार डबल क्रोशिया हो गया। अब दूसरे देखिए, दूसरा जो ये चेन है इसमें भी मैं चार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए, एक दो तीन चार। देखिए फ्रेंड्स, ये चार डबल क्रोशिया हो गया। इसी तरह से देखिए, मैंने दो में बनाया है, इसी तरह मैं एक दो तीन चार पाँच छः, छः में बना के और उसके बाद फिर मैं दो चेन बनाऊंगी। मैं छः में ये चार डबल क्रोशिया, छः चेन में मैं चार डबल क्रोशिया बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, छः बना लिया। अब इसके बीच में मैं एक दो दो चेन बनाऊंगी और फिर यहीं से मैं देखिए छः, देखिए हर चेन में देखिए चार बनाऊंगी। इसमें दो हो गया, तीन चार, चार बनाऊंगी। इसी तरह से छः चेन में चार, छः चेन में चार चार बना के फिर उस बीच में मैं जैसे मैंने यहाँ पे दो चेन बनाया है वैसे बनाऊंगी। इस तरह इस रो को बना के कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने देखिए छः छः का सेट बना के मैंने यहाँ पे मेरे पास पाँच बन गया। देखिए, एक दो तीन चार और ये पाँच, पाँच सेट, पाँच पाँच सेट बन के कम्प्लीट हो गया है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अब यहाँ पे मैं पाँच पेटल बनाऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने तीन चेन बना लिया है। देखिए फ्रेंड्स, इस तीन चेन के ऊपर तीन चेन बना लिया है और इसको मैं स्किप कर दूँगी। अब देखिए, इस दोनों को स्किप करके इस तीसरे वाले होल में डाल के मैं डबल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए, ये हो गया एक दो,
इस तरह से मैं इस सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये बनाते हुए मैं देखिए ये यहाँ पे देखिए ये चेन बनाया है मैंने, यहाँ पे छह पेटल पूरने के बाद मैंने यहाँ पे चेन बनाया है। यहाँ तक मैं ये लास्ट डबल क्रोशिया तक बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक बना लिया है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक दो तीन तीन चेन बनाऊँगी। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इस चेन इस डबल क्रोशिया को इस डबल क्रोशिया को दोनों को स्किप करके यहाँ पे जो ये तीसरा डबल क्रोशिया है इसके बीच में मैं इस तरह से डाल के फिर यहाँ पे मैं इस तरह से डबल क्रोशिया बीच बीच में डाल के यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मैं बनाऊँगी, बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने बना लिया। इस चेन इसमें भी मैं इस डबल क्रोशिया के बीच भी मैं एक बनाऊँगी। और देखिए यहाँ पे ये चेन है तो इस चेन को मैं छोड़ दूँगी। इसके ऊपर से अब मैं एक दो तीन तीन चेन बना के देखिए इसके ऊपर तो इस डबल क्रोशिया के ऊपर तो चेन बना है। इस डबल क्रोशिया को स्किप करके इस तीसरे वाले में मैं इस तरह से बनाऊँगी। देखिए और फिर सब में मैं एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाऊँगी इसी तरह से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मेरा दोनों साइड एक एक डबल क्रोशिया घटते जाएगा। जैसे कि यहाँ से मैं यहाँ तक आऊँगी और इस चेन में मैं नहीं बुनूँगी, यहाँ तक बीन के फिर यहाँ से टर्न कर जाऊँगी। ऐसे करते करते ऐसे बीनते हुए जब लास्ट में मेरे पास तीन डबल क्रोशिया बचेगा तब हम इस तब ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ तक बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ तक बना लिया। यहाँ पर मेरा तीन देखिए तीन डबल क्रोशिया बचा है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, एक दो तीन तीन चेन बनाऊंगी और यहाँ पे जो मैंने चेन बनाया है इसमें डाल के स्लिप स्टिच से जोड़ के ऐसे सिक्योर करके एक चेन बना के और धागे को मैं कट कर लूँगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मेरा पेटल बन के आ गया। इसी तरह से मैं देखिए इसमें पांच पेटल बनाऊंगी। ये एक हो गया, यहाँ पे दो तीन चार पाँच पाँच पेटल बना के मैं देखिए ऐसा ही इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना है। देखिए जैसे कि यहाँ से यहाँ तक एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, एक एक डबल क्रोशिया स्किप करके बनाना है। फिर अगले राउंड में भी देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशिया स्किप करके चेन बनाया, इसके बाद एक डबल क्रोशिया स्किप करके वहाँ से फिर मैंने बनाना शुरू किया। फिर देखिए यहाँ पे फिर चेन आया, एक डबल क्रोशिया स्किप करके दूसरे में मैंने बनाया। फिर यहाँ पे जब साइड में जब चेन आ जाता है तो उसको हम स्किप कर देते हैं। फिर नेक्स्ट राउंड में देखिए मैंने इस चेन वाले को स्किप करके यहाँ से फिर बनाना शुरू यहाँ तक बनाया है। इसी तरह से इस मैंने इसको कम्प्लीट कर लिया है। अब ऐसा मैं पाँच पेटल बना के आपको दिखाती हूँ। पाँचों पेटल को मैंने बना के कम्प्लीट कर लिया है। अब देखिए अब मैं यहाँ पर किसी भी एक पेटल को उठा के इसमें देखिए इस तरह से मैं लूप बना के और पफ बनाऊंगी। देखिए एक दो तीन चार चार धागा लेके एक चेन बना के फिर मैं दूसरा पफ बनाऊंगी। देखिए एक दो तीन चार चार धागा लिया एक चेन बना दूंगी। इसी तरह से यहाँ पे मैं पांच पफ बनाऊंगी। देखिए दो बन गया, दो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने देखिए एक दो तीन चार पाँच पाँच पफ बना लिया है। अब इसमें मैं एक चेन बना के फिर धागा को इस तरह खींच के और यहाँ से मैं फिर एक देखिए यहाँ पे जहाँ पे मैंने इसको पफ बनाया था पफ के ऊपर का जो ये धागा है इसमें एक और पफ मैं बनाऊँगी। देखिए एक दो तीन चार चार धागा लिया
इसको देखिए फ्रेंड्स, ये जो चेन है इसमें यहाँ पे मैं इस तरह से जोड़ दूंगी और यहाँ से फिर मैं पफ बनाऊंगी। देखिए, एक, दो, तीन, चार। फिर मैं यहाँ पे इसको अब नेक्स्ट चेन में इस तरह से जोड़ दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से बन के आएगा। इसी तरह से मैं यहाँ तक बना के आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं एक पफ बनाऊँगी, फिर इस चेन में जोड़ दूँगी, यहाँ पे एक पफ बनाऊँगी, इस चेन में जोड़ दूँगी, यहाँ तक बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने पफ बना के जोड़ लिया है। अब देखिए, ये इस चेन में मैंने इसको जोड़ लिया है। अब फिर मैं यहाँ पे पफ बनाऊँगी। देखिए, एक, देखिए फ्रेंड्स, ये पफ बना लिया मैंने और इसमें इसको इस तरह से जोड़ के और फिर यहाँ पे मैं पफ बना के और यहाँ पे जोड़ के फिर इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करके फिर यहाँ पे मैं पांच पफ बनाऊँगी। मैं यहाँ तक बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ तक ये पफ मैंने बना लिया है। देखिए, मैं बना लिया है। अब देखिए, यहाँ पे जो ये मैंने तीन चेन बनाया था, अब इसमें मैं सिंगल क्रोशिया से आके यहाँ पे मैं फिर पांच पफ बनाऊंगी। देखिए, दो, तीन, चार, चार धागा लिया, सिक्योर किया, फिर एक पफ बनाया। इसी तरह से यहाँ पे मैं पांच पफ बना के फिर यहाँ से यहाँ तक पफ, यहाँ से यहाँ पे तक पफ बना के फिर यहाँ से ऐसे करके मैं इस पूरे रो को कंप्लीट कर लूँगी। देखिए, इस तरह से यहाँ पे पांच पफ बनाया, फिर यहीं से मैंने एक पफ बनाया और फिर यहाँ पे आके बांध दिया। ऐसे ही किनारी से मैं हर किनारे में मैंने एक एक पफ बनाया है और इधर भी बनाया। यहाँ पे फिर मैं पांच पफ बनाऊँगी और फिर ऐसे बनाते हुए इस पाँच रो को कम्प्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये रो मैंने ये बना के मैंने कंप्लीट कर लिया है। देखिए, ये पांचों फ्लावर का किनारा मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए, अब मैं इस तरह से वर्क को टर्न कर लूँगी। ये बैक तरफ से ये मैं चेन बनाऊँगी, बैक साइड से। देखिए फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पे ये देखिए, ये कॉर्नर पर जो यहाँ पर दो बना है, इसके इसमें से मैं डाल के और देखिए इस तरह से इसमें से डाल के देखिए इस तरह से निकाल के धागा। यहाँ पे मैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात चेन बनाऊंगी। और देखिए, ये कॉर्नर का जो ये यहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा है, ये पफ का जो ऊपर वाला पार्ट है, इसमें मैं इस तरह से जोड़ दूंगी। इस तरह से वर्क को मैं टर्न कर लूँगी और यहाँ पर मैं 40 चेन बनाऊँगी, 40 चेन बनाऊँगी। एक, दो, तीन, चार, इसी तरह से मैं 40 चेन बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 40 चेन बना लिया है। अब मैं देखिए इसको 40 चेन मैंने बना लिया है। अब देखिए, यहाँ पे जो ये मैंने सात चेन बनाया था, इसमें देखिए मैं इस तरह से क्रोशिया को डाल के और इसको बांध दूंगी। अब फिर मैं यहाँ पे ऐसे ही मैं 40 चेन बना के फिर ऐसा ही इसी तरह से मैं लूप बना के इस चेन में मैं ऐसा छः बार ऐसा 40 चेन बना के मैं इस तरह से बना के मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 6 राउंड कंप्लीट कर लिया है। देखिए, 6 चेन बना लिया मैंने, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। देखिए, ये छः रो मैंने बना के कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे मैंने
सिंगल क्रोशिया से जोड़ दिया है। अब मैं धागे को कट कर लूँगी और इसी तरह से मैं देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है वैसे ही इस चारों कोने पे मैं यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 चार पांच कोना है, चार कोना में मैं बना के आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। 40 40 चेन का ये 6 ग्रुप बना के मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए अब इसका मैं आगे बनाऊँगी। देखिए फ्रेंड्स किसी भी एक पेटल से मैं बनाना यहाँ पे शुरू करूँगी। देखिए यहाँ पे एक पफ के बीच में जो एक चेन था इसमें मैं क्रोशिया डाल के यहाँ पे मैं 1 2 3 तीन चेन बनाऊँगी और यहाँ पे देखिए मैं चार तीन चेन और तीन डबल क्रोशिया बनाऊँगी तो मेरे पास चार डबल क्रोशिया हो जाएगा। देखिए 2 3 4 चार डबल क्रोशिया हो गया। अब देखिए ये सेकंड पफ के बीच में मैं देखिए यहाँ पे 1 2 दो डबल क्रोशिया बनाऊंगी यहाँ पे 1 2 दो चेन और फिर देखिए यहाँ पे ये जो थर्ड पफ है इस बीच में फिर मैं दो बनाऊंगी, पफ के बीच में मैं दो डबल क्रोशिया बनाऊंगी 1 2 दो डबल क्रोशिया बनाऊंगी और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस पफ के बाद जो यहाँ पे फिर चेन है इस चेन में मैं फिर चार डबल क्रोशिया बनाऊंगी 1 2 3 4 देखिए फ्रेंड्स ये मेरा पहले चेन में मैंने चार डबल क्रोशिया बनाया, दूसरे में मैंने दो बनाया, फिर बीच में दो चेन, फिर दो और फिर चौथे में चार, इस तरह से बनाया। अब देखिए फ्रेंड्स अब ये जो मैंने चेन बनाया है 40 चेन बनाया है इसका मैं एक चेन लेके देखिए इसमें मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए 1 2 3 4 चार डबल क्रोशिया 1 2 दो चेन और एक फिर चार डबल क्रोशिया देखिए 1 2 3 चार। देखिए फ्रेंड्स ये दो आठ डबल क्रोशिया देखिए चार डबल क्रोशिया दो चेन और चार डबल क्रोशिया मैंने बना लिया। अब देखिए फिर यहाँ पे सेकंड चेन मैं यहाँ पे इस तरह से लूँगी और देखिए इसमें फिर मैं चार डबल क्रोशिया देखिए 1 2 3 4 चार डबल क्रोशिया दो चेन 1 2 दो चेन फिर चार डबल क्रोशिया 1 2 3 4 देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह से मेरा बन के आएगा। इसी तरह से मैं इस चारों चेन में भी बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने 6 चेन में इस तरह से मैंने बना लिया है। अब देखिए अब मैं इसको यहाँ पे फिर इस पफ से जोड़ूंगी। देखिए यहाँ पे मैं 1 2 3 4 चार डबल क्रोशिया बनाया और फिर सेकंड पफ के बीच में मैंने यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए 1 2 दो डबल क्रोशिया 1 2 दो चैन फिर थर्ड में मैं दो डबल क्रोशिया बनाऊंगी 1 2 दो डबल क्रोशिया बनाया और फिर फोर्थ में मैं चार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए 1 2
दो तीन चार। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा इस तरह से बन गया। देखिए इस तरह से बन के आएगा। अब इसी तरह से मैं देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बन के कम्प्लीट हो गया। अब जैसे इस चेन में मैंने चार डबल क्रोशिया, दो चेन चार डबल क्रोशिया बनाया, इसे इसी तरह से इस चेन में मैं बनाऊंगी। फिर यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है चार डबल क्रोशिया, फर्स्ट चेन में चार डबल क्रोशिया, सेकंड में दो डबल क्रोशिया, दो चेन दो डबल क्रोशिया और फिर चार डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे चेन में मैं इसी तरह से बिन के इस राउंड को पूरा कम्प्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बन के कम्प्लीट हो गया। ये मैंने हर चेन में मैंने आठ आठ डबल क्रोशिया बना लिया है। देखिए इस तरह मेरा बन के कम्प्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।